हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। टुडे वी शैल डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ प्रोनाउन। बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने प्रोनाउन स्टार्ट किया था, प्रोनाउन जिसका मतलब होता है सर्वनाम। पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि सर्वनाम होता क्या है, इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, यानी प्रोनाउन सर्वनाम। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस नाउन, मीन्स ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पर आते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था और हमने पढ़ा था कि इसके 8 टाइप्स होते हैं। उन टाइप्स में से हमने पहला किया था पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पजेसिव प्रोनाउन। क्या? पजेसिव प्रोनाउन, अधिकार वाचक सर्वनाम। तो आज हम बात करेंगे पजेसिव प्रोनाउन की। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे और सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे। पजेसिव प्रोनाउन, इट शो पजेशन। पजेशन का मतलब होता है अधिकार, अधिकार दिखाना। यानी पजेसिव प्रोनाउन का मतलब अधिकार वाचक सर्वनाम और पजेशन का मतलब अधिकार। यानी इसके अंदर ऐसे शब्द आते हैं जिनसे हमें अधिकार प्रकट होता है। सपोज, जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये चौक मेरी है, तो मेरा अधिकार है इस पर। ठीक है, क्योंकि ये मेरी है तो मेरा क्या हो गया? मेरा हो गया आपका पजेसिव प्रोनाउन। इस तरह से और भी हैं, जैसे माइन। माइन का मतलब होता है मेरा। योर्स का मतलब होता है तुम्हारा। हिज का मतलब होता है उस लड़के का। हर्ष का मतलब होता है उस लड़की का। आवर्स का मतलब होता है हमारा। और देयर्स का मतलब होता है उनका। बच्चे, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे माइन। माइन मिस मेरा, योवर्स मिस तुम्हारा, हिज मिस उस लड़के का। हिज का यूज़ करते हैं हम किसके लिए? लड़के के लिए। और हर्स का यूज़ करते हैं लड़की के लिए, यानी उस लड़की का। अवर्स मिस हमारा, देयर्स मिस उनका। तो बच्चे, सारे जो शब्द हैं ये एक तरह से अधिकार को दिखाते हैं। ठीक है, तो अधिकार को किस तरह दिखाते हैं ये समझेंगे हम एग्जांपल के द्वारा। जैसे मैंने आपसे कहा ये डस्टर मेरा है, ये डस्टर मेरा है, तो मेरा अधिकार हो गया इस पर। तो मेरा इसमें क्या हुआ? पजेसिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि इनका यूज़ हम कैसे करते हैं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, दिस पेन इज माइन। यह पेन माइन, मेरा है, यानी मेरा इस पर अधिकार हो गया। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज माई पेन। यह पेन मेरा है, यानी इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें अंतर क्या है? जब हम माइन का यूज़ करते हैं तो इसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर नाउन इंक्लूड होता है। जब हम माई का यूज़ करेंगे तो माई के बाद हमें कोई नाउन लगाना होता है। यही फ़र्क है माई में और माइन में। ठीक है, ऐसी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दिस हाउस इज योअर्स। द हाउस इज योअर्स, यानी ये घर योअर्स मिस तुम्हारा है। तो तुम्हारा इस पर अधिकार है, तो ये योअर्स शब्द हो गया आपका पजेसिव प्रोनाउन। ऐसी अगर हम बात करें थर्ड की, थर्ड एग्जाम्पल है, द नेकलेस इज हर्स। हर्स मतलब यह जो नेकलेस है ये उस लड़की का है। तो हर्स यहाँ पर क्या हो गया? हर्स हो गया यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन। ऐसे द मोबाइल हिज, ये मोबाइल किसका है? उसका है, यानी किसी लड़के का है। तो हिज क्या हो गया यहाँ पर? हिज हो गया पजेसिव प्रोनाउन। इस तरह से और भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे
द हाउस इज देयर, द हाउस इज देयर्स, देयर्स मीन्स उनका, यह घर उनका है। तो इस तरह से जो आपके वर्ड्स हैं कौन कौन से, माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स, ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके पजेसिव प्रोनाउन हैं क्योंकि ये अधिकार को दिखाते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा ले लेते हैं। दूसरा प्रोनाउन कौन सा है आपका, दूसरा प्रोनाउन है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी तीसरे नंबर पर जो हमने बोला था डिमोन्स्ट्रेटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। मीन्स क्या है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, आपको ही बोलना है। ठीक है, बोल बोल के देखना है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, क्योंकि बच्चों इंग्लिश जो है बोलने से आती है, जब तक आप बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इंग्लिश भी नहीं बोल पाएंगे, इसलिए आपको भी मेरे साथ साथ बोलना है। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसकी हिंदी होती है संकेतवाचक, संकेतवाचक, संकेतवाचक सर्वनाम। क्या होती है संकेतवाचक सर्वनाम, मीन्स इट शो पॉइंट, टू पॉइंट आउट समथिंग, टू पॉइंट आउट सम थिंग, टू पॉइंट आउट समथिंग यानी किसी की तरफ इशारा करना, पॉइंट आउट का मतलब इशारा करना, टू पॉइंट आउट समथिंग किसी की तरफ इशारा करना, इसका मतलब हो गया जब हम किसी की तरफ इशारा करते हैं तो जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं इशारा करने के लिए, संकेत करने के लिए, तो वो वर्ड्स इसमें आते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। अब कौन कौन से वर्ड्स आते हैं ये देख लेते हैं हम, जैसे दिस, दिस, दैट। ठीक है, ये किसमें आएंगे, ये आएंगे आपके सिंगुलर में। सिंगुलर आपको पता है एक वचन होता है, और प्लूरल, प्लूरल में आएंगे आपके दीज, दीज और दोज। यानी ये जो चार वर्ड्स लिखे हैं मैंने, ये आपके आते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। कौन कौन से, दिस, दैट, दीज, दोज। अब इनका यूज़ हम कैसे कैसे करते हैं, जैसे दिस होता है आपका सिंगुलर यानी एक वचन, दैट भी एक वचन होता है, प्लूरल होता है आपका जो बहुवचन होता है, दीज होता है, दोज होता है। अब ये जो दोनों हैं इन दोनों का यूज़ करेंगे हम नियर के लिए, नियर मतलब पास के लिए। ठीक, अब दैट और दोज का यूज़ करेंगे हम फार यानी दूर के लिए। ठीक, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ दिस, दिस इज़ अ डस्टर, ये क्या है एक डस्टर है, तो दिस इज़ अ डस्टर, ये डस्टर मेरे पास है या दूर है, मेरे पास है, तो इस पास के लिए हमने दिस यूज़ किया। ऐसी अगर मैं बोलूँगा दैट इज़ अ चेयर, वो चेयर है, चेयर मेरे से दूर है, तो दूर के लिए हम दैट का यूज़ करेंगे, दिस का पास के लिए, दैट का दूर के लिए, लेकिन सिंगुलर एक वचनकर्ता के साथ। जैसे मैंने आपसे बोला दिस इज अ पेन, यह एक पेन है, यानी पेन की तरफ इशारा कर रहा है दिस, क्योंकि पेन मेरे पास है इसलिए मैंने दिस का यूज़ किया, दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। अगर पेन दूर है कहीं तो मैं यूज़ करूँगा दैट का, जैसे दैट इज़ अ पेन, वह एक पेन है।
तो इस तरह से हम दिस और दैट का यूज़ पास्ट के लिए करते हैं। अगर बात करें हम दीज की, दीज का भी पास्ट के लिए करेंगे हम, लेकिन दीज आएगा बहुवचन में, जैसे दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स, किताबें बहुत सारी हैं, तो ये दीज का करते हैं हम बहुत सारों के लिए, लेकिन पास के लिए। जैसे मेरे पास किताब है, कई सारी किताब होगी, जैसे मैं बोलूँगा दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं मेरे पास हैं। अगर किताबें दूर होंगी तो मैं यूज़ करूँगा दोज का, जैसे दोज आर बुक्स, वे किताबें हैं। तो इस तरह से हम दिस दैट का यूज़ करते हैं पास के लिए, दीज और दोज का यूज़ करते हैं दूर के लिए। ठीक है, यह आपका था डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आपके तीन प्रोनाउन हो गए, तो हम चौथा प्रोनाउन ले लेते हैं, अब रिलेटिव प्रोनाउन नंबर फोर, रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के। नंबर फोर रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? संबंध, संबंध सूचक सर्वनाम, सर्वनाम, जैसे इसके नाम से संबंध है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेशन समझते हैं आप, संबंध होता है रिलेशंस, तो रिलेशन से ही आपका बना है रिलेटिव्स, जो आपके रिश्तेदार होंगे, मामा ताऊ चचा, वो सब आपके क्या है? रिलेटिव्स हैं, संबंधी हैं, तो उससे बना है रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड, इज अ वर्ड विच रिलेट्स, विच रिलेट्स टू द नाउन, टू द नाउन और प्रोनाउन। विच इज यूज बिफोर इट, आपको भी मेरे साथ साथ पढ़ना है, कुछ बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, केवल देख रहे हैं, उन्हें देखना भी है, समझना भी है और उन्हें बोलना भी है। विच इज यूज्ड बिफोर इट, ठीक है, ये एक डेफिनेशन लिखी है आपके सामने, अब आपको इसे मेरे साथ पढ़ना है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड, यानी रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है विच रिलेट्स टू द नाउन और प्रोनाउन विच इज यूज बिफोर इट, यानी रिलेटिव प्रोनाउन्स ऐसे शब्द हैं जो नाउन प्रोनाउन से पहले, जो उनसे पहले कोई शब्द आता है, जो यूज जो जो मतलब इन शब्दों से जो पहले नाउन या प्रोनाउन आता है उसे एक संबंध दिखाते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? इसके अंदर आते हैं आपके जैसे हु हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, विच एंड दैट हो गया, एटसेट्रा आदि, ETC का मतलब होता है एटसेट्रा, और भी हैं जो मैन मैन हैं, हु हुज विच दैट, ये एक संबंध दिखाते हैं, किससे संबंध दिखाते हैं? जो इनसे पहले शब्द आते हैं, जो इनसे पहले शब्द प्रयोग हो गए उनका संबंध ये दिखाते हैं नाउन प्रोनाउन से। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं हम कि किस तरह से ये संबंध दिखाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आई नो राहुल, मैं राहुल को जानता हूँ, हु ब्रोक द मिरर, हु ब्रोक द मिरर, जिसने शीशा तोड़ा है। दे आर टू सेंटेंसेस, यहाँ दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं,
एक तो हो गया आई नो द राहुल, मैं राहुल को जानता हूँ, ब्रोक द मिरर, जिसने शीशा तोड़ा है। तो हमें जो मतलब समझना है, ये जो हमारा हु वर्ड यूज़ हुआ है ये किसके लिए आया है? ये आया है अपने से पहले वाले नाउन या प्रनाउन के लिए, यानी हु आया है राहुल के लिए। आई नो राहुल, मैं राहुल को जानता हूँ। हु ब्रोक द मिरर, जिसने, हु का मतलब कौन भी होता है, जो भी होता है, जिसने भी होता है। हु ब्रोक द मिरर, जिसने शीशे को तोड़ा है। तो बच्चों यहाँ पर हु दो तरह से काम कर रहा है, एक तो वो राहुल के बारे में बात कर रहा है, यानी जो इससे पहले आया है, इसे हम एंटीसिडेंट भी कहते हैं, यानी पूर्ववर्ती, जो इससे पहले शब्द आता है, और इसके बारे में क्या कर रहा है, बता रहा है। हु इसके बारे में बात कर रहा है और इसके बारे में बता रहा है, क्या बता रहा है, ब्रोक द मिरर, उसने शीशा तोड़ा है। तो हु एक तरह से काम करता है कंजक्शन का, यानी जोड़ने का भी काम करता है। तो क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, आई नो द राहुल एक सेंटेंस ये हो गया, ब्रोक द मिरर एक सेंटेंस ये हो गया, तो ये इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का भी काम कर रहा है और अपने से पहले आए हुए शब्द राहुल के बारे में बता भी रहा है, राहुल हु ब्रोक द मिरर, जिसने शीशे को तोड़ा। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं किसका, रिलेटिव प्रोनाउन का। अब इसमें एक एग्जांपल और देख लेते हैं, उस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि आप यूज़ कैसे करेंगे इसका। जैसे एग्जांपल है, द बुक विच यू गेव मी लास्ट वीक इज एक्सेलेंट। एग्जांपल है, द बुक which you gave me last week is excellent. They are one sentences. The book which you gave me, यानी किताब जो, which का use करते हैं हम किसके लिए, वस्तुओं के लिए। विच आया यहाँ पर बुक के लिए, द बुक विच, किताब जो, यू गेव मी, तुमने मुझे दी थी लास्ट वीक, माने पिछले सप्ताह, इज एक्सीलेंट, वो किताब बहुत ही अच्छी थी। तो यहाँ पर विच काम कर रहा है किसके लिए आया है, बुक के लिए। हु का यूज़ करते हैं हम इंसानों के लिए और विच का यूज़ करते हैं हम चीज़ों या वस्तुओं के लिए। तो जो विच आया है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये कर रहा है बुक को। तो विच भी आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये भी एक संबंध दिखा रहा है बुक का। ठीक है, अब हम बात करते हैं दैट की। दैट द चेयर, थर्ड एग्जांपल है ये, द चेयर दैट इज यूज्ड इज रेड, That is use is red is mine means the chair कुर्सी that is used जिसका प्रयोग किया गया है is red जो लाल है is mine वो मेरी है। इसमें हमने that भी देख लिया, इसके अंदर mine भी आ गया। mine का हमने अभी पढ़ा था कि mine क्या है, possessive pronoun है, और जो आपका that है, that का मतलब की भी होता है, that का मतलब जो भी होता है। that का प्रयोग हम चीज़ों के लिए भी, वस्तुओं के लिए भी और इंसानों के लिए भी हम कर सकते हैं। तो दैट की जगह हम दैट किसकी जगह आ सकता है, दैट हु की जगह भी आ सकता है और विच की जगह भी आ सकता है। तो इसका मतलब हो गया, द चेयर दैट इज़ यूज इज रेड इज माइन, यानी चेयर जिसका यूज़ किया गया है, जो रेड है, वो चेयर कैसी है, मेरी है। इस तरह से ये वर्ड्स किस में आते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस में आते हैं। ये वर्ड्स इंडोगेटिव वर्ड्स भी हैं, यानी प्रश्नवाचक शब्द भी हैं। अगर सेंटेंस के शुरू में आते हैं तो प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।